सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं कोडनी वीडियो में। तो आज आपको बताने वाले हैं कुछ शिफ्ट टाइप से फोटो एडिटिंग कैसे करें, बवाल तरीके से फोटो एडिटिंग कैसे करें, एंड कुछ शिफ्ट टाइप से फोटो एडिटिंग सिखाने वाले हैं, एंड फेस स्मूथ। तो वीडियो में बन रही है, सब कुछ अच्छे बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस फोटो को शेयर करना है स्नैपफीड एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं शेयर कर देता हूँ स्नैपफीड एप्लीकेशन के अंदर, जो कि आपके सामने स्नैपफीड एप्लीकेशन दिख रहा है। यहाँ पे आप लोग स्नैपफीड एप्लीकेशन में शेयर कर लीजिएगा। तो मैं शेयर कर लेता हूँ स्नैपफीड एप्लीकेशन के अंदर। स्नैपफीड एप्लीकेशन के अंदर आ जाने के बाद क्या करना है भाई लोग, नीचे टूल का ऑप्शन दिख रहा है, सबसे नीचे देखेंगे तो टूल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद सिलेक्टिव दिख रहा है, यहाँ पे सिलेक्टिव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद अपने फोटो को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको प्लस का आइकॉन दिख जाएगा, इस पर कुछ इस टाइप से स्क्रॉल करके उसको ब्राइटनेस को बढ़ा दीजिएगा। जहाँ जहाँ आपको ब्लैक दिखे वहाँ वहाँ ब्राइटनेस को बढ़ा दीजिएगा। तो मैं बढ़ा लेता हूँ, और आप लोग अपने फोटो पे जहाँ जहाँ ब्लैक दिखे वहाँ वहाँ ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा। और कुछ इस टाइप से मैं बढ़ाता हूँ, जहाँ जहाँ ब्लैक दिखता है वहाँ वहाँ ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा आप लोग। मैं भी बढ़ा लेता हूँ, और जहाँ जहाँ दिख रहा है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे हाथ पे ब्लैक थोड़ा दिख रहा है, इस पर क्लिक करके उसके बाद ब्राइटनेस को बढ़ा दीजिएगा, अपने हिसाब से कर लीजिएगा फोटो के हिसाब से। उसके बाद मैं जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ वहाँ ब्राइटनेस को बढ़ाता हूँ कुछ इस टाइप से। और पैर पे कुछ है ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है भाई लोग, इस फोटो को शेयर करना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं शेयर कर देता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद नीचे सब आइकॉन आ जाएगा एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे ऐड टू LR दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद अपना फोटो इम्पोर्ट हो जाएगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं मिलता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आप सभी से। लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ जाने के बाद क्या करना है भाई लोग, ऊपर आल फोटो दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद मेरा फर्स्ट ही फोटो दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर ही दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक प्रीसेट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं उस प्रीसेट को यूज करता हूँ। यहाँ पे जो प्रीसेट है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। वहाँ पे थ्री आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करके कॉपी सेटिंग कर लीजिएगा। कॉपी सेटिंग करने के बाद यहाँ पे सही का निशान है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अपने फोटो पे आ जाना है, फोटो पे आ जाने के बाद फिर उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे पेस्ट सेटिंग दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद बवाल तरीके से फोटो पे लुक आ जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग लेने पर देखिए कितना औसम तरीके से फोटो लग रहा है। उसके बाद इस फोटो को शेयर कर देना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं शेयर कर लेता हूँ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, शेयर टू कर लेता हूँ। शेयर टू करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा आप सभी का फोटो पे, और उसके बाद सब आइकॉन आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा शेयर करने वाला। तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, वेट कर लीजिएगा। वेट करने के बाद आपके सामने देखिए नीचे सब ऑप्शन आ गया, वहाँ पे पिक्सआर्ट दिख रहा है, पिक्सआर्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। पिक्सआर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है भाई लोग, यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा आपके सामने, और पिक्सआर्ट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद आपको क्या करना है, एफएक्स दिख रहा है, एफएक्स पे क्लिक कर लीजिएगा। एफएक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कलर दिख रहा है, यहाँ पे ब्लर वलर कुछ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कलर पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद कलर रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिएगा, कुछ इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अपने हाथ से कुछ इस टाइप से कर लीजिएगा। उसके बाद इसको ग्रीन कर लीजिएगा, तो मैं ग्रीन कर लेता हूँ। इतना कर देने के बाद इस फोटो को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आपको क्या करना है भाई लोग, इस फोटो को मिलते हैं गैलरी एप्लीकेशन के अंदर आप सभी से। गैलरी में आ जाने के बाद क्या करना है भाई लोग, इस फोटो को शेयर करना है ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। तो मैं शेयर कर लेता हूँ ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर, जो कि फेस स्मूथ करने के लिए हम इसमें शेयर किए हैं। उसके बाद दोनों हाथ से जूम कर लीजिए, कलर के बगल में जो आइकॉन दिख रहा है आपको दिखा दे रहा है, कलर के बगल में जो आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इसके स्मूथ ब्रश दिख रहा है यहाँ पे, जो कि आपके सामने दिख रहा है स्मूथ ब्रश, इसी ब्रश को यूज करना है। उसके बाद सेटिंग देख लीजिएगा 10:10, और उसके बाद साइज को अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इस हिसाब से करने के बाद जूम करके अपने हिसाब से अच्छे से स्मूथ कर लीजिएगा। तो मैं जल्दी जल्दी स्मूथ करता हूँ। आप लोग अपने फोटो पे ज़्यादा टाइम देंगे तो अच्छा तरीके से बवाल तरीके से फोटो निकल के आएगा एडिट होके। तो मैं जल्दी जल्दी स्मूथ कर लेता हूँ, और मिलते हैं स्मूथ करने के बाद आप सभी के। देखिए कितना बवाल तरीके से हो रहा है, और मिलते हैं स्मूथ करने के बाद आप सभी से। स्मूथ हो जाने के बाद क्या करना है भाई लोग, यहाँ पे कलर के बगल में जो आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको एक लेयर बनाना है, जो कि मैं बना लेता हूँ प्लस पे क्लिक करके। उसके बाद फिर कलर के बगल में जो ब्रश वाला आइकॉन है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। लाइब्रेरी में चला जाना है, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा,
यहाँ पे जो कि आपके सामने दिख रहा है इस पे क्लिक कर लीजिएगा ब्रश को, इतना हार्ड ब्रश है। उसके बाद आपको क्या करना है, कलर आप देख लीजिए, रेड कर लीजिएगा। रेड करने के बाद अपने लिप्स पे कुछ शिफ्ट टाइप से चला लीजिएगा, देखिए कितना ऑसम तरीके से लग रहा है। उसके बाद फिर लेयर पे क्लिक कर लीजिएगा, लेयर पे क्लिक करने के बाद फिर ऑपसिटी को कम कर लीजिएगा थोड़ा सा, देखिए कितना ऑसम तरीके से फोटो लग रहा है। उसके बाद इस फोटो को सेव कर लेना है, तो मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद क्या करना है भाई लोग, इसको क्रॉप करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो मैं मिलता हूँ फोटोरूम एप्लीकेशन के अंदर आप सभी से। तो थोड़ा सा सेव करने के बाद आपको फोटोरूम एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है, तो मैं चला जाता हूँ फोटोरूम एप्लीकेशन के अंदर। बैकग्राउंड ब्लर करना है और बवाल तरीके से करके दिखाने वाले हैं फोटोरूम एप्लीकेशन से बैकग्राउंड ब्लर कैसे करें मेरे जैसे। तो वीडियो बन रही है और चलिए मैं लेकर चलता हूँ फोटोरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो ये मेरा फोटोरूम एप्लीकेशन है, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद क्या करना है भाई लोग, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन देगा, उसके बाद कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद नीचे स्टार्ट फ्रॉम फोटो पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अपने फोटो पे चले जाना है जो कि आप एडिट करके रखे थे, ठीक है, स्मूथ करके। उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव दिखा रहा है, देखिए बैकग्राउंड रिमूव दिखा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है भाई लोग, नीचे पूरा ऑप्शन ओपन होगा धीरे धीरे करके, ठीक है। आपका डाटा जितना फास्ट रहेगा उतना ही जल्दी होगा। उसके बाद थोड़ा भी स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए जहाँ पे ब्लर पूरा बैकग्राउंड ही ब्लर हो गया, कितना ऑसम तरीके से लग रहा है। और थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद बैकग्राउंड कितना ऑसम तरीके से ब्लर हो गया। उसके बाद शेयर पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, इस फोटो को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद क्या करना है भाई लोग, यहाँ पे नीचे शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद पिक्सआर्ट एप्लीकेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ और थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद पिक्सआर्ट में आ जाएगा। पिक्सआर्ट में आने के बाद क्या करना है भाई लोग, आपको थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे स्टिकर का ऑप्शन दिख रहा है, स्टिकर पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है भाई लोग, यहाँ पे सर्च करना है व्हाइट लाइट। तो मैं सर्च कर लेता हूँ व्हाइट लाइट, तो आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा व्हाइट लाइट। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको एक लाइट मिल जाएगा व्हाइट, देखिए यहाँ पे जो लाइट है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके स्क्रीन कर लीजिएगा। तो इसके बाद कुछ इस टाइप से आप लगा दीजिएगा और यहाँ पे देखिए थोड़ा लेयर बन गया। उसके बाद थोड़ा सा इरेज कर लीजिएगा, इतना कट देने के बाद आपको सही कर लेना है। सही करने के बाद आपको सही के निशान पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर स्टिकर पर जाना है, वहाँ पर बटरफ्लाई लिखना है, तो मैं सर्च कर लेता हूँ बटरफ्लाई। तो यहाँ पे बटरफ्लाई सर्च करने के बाद देखिए रेड वाला आ गया और ब्लू वाला आ गया, तो कुछ इस टाइप से मैं लगाया था और आप लोग भी लगा लीजिएगा। तो फिर उस पर जाइएगा और ब्लू वाला ले लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से देखिए कितना ऑसम तरीके से फोटो लग रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा ही लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।